लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिक ओवरव्यू देखा था एलिमेंटर का, आज हम उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि तीन मेजर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जिनमें रो आ जाता है, कॉलम्स और एलिमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिक ओवरव्यू देखा था एलिमेंटर का, आज हम उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि तीन मेजर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जिनमें रो आ जाता है, कॉलम्स और एलिमेंट्स। इन सबको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रो को। ओके, तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और रो के अबाउट देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, किस तरह से उनके डिफरेंट ऑप्शंस, लेआउट, उसके बाद स्टाइल और एडवांस के बारे में बात करेंगे। तो हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर और इसको मैं बेसिकली कट कर देता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक रो सेलेक्ट करने की ऑप्शन आ जाएगी, जिसके अंदर हम डिफरेंट स्ट्रक्चर चूज़ कर सकते हैं। मैं अभी के लिए बेसिक यही स्ट्रक्चर यूज़ करता हूँ। इसके अंदर एक जो कॉलम है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू सिलेक्टेड है, ये हमारे पास कंप्लीट रो है। हमने इस पर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गई और हमारे पास इसके जो ऑप्शंस हैं, तीन तरह के ऑप्शंस हैं, लेआउट, स्टाइल और हमारे पास है एडवांस। इसको हम रो भी कहेंगे, इसको हम सेक्शन भी कह सकते हैं, राइट। टेक्निकल टर्म में आप रो कह सकते हैं, लेकिन एलिमेंटर के टर्म में आप इसको सेक्शन बोलेंगे, राइट। तो ये सेक्शन है हमारे पास और यहाँ पे देखें हमने सिलेक्टेड और इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो चलें देखते हैं बारी बारी इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास आ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है कंटेंट विड्थ। आप इसको मैं इसके अंदर एक एलिमेंट डाल देता हूँ तब आपको समझ आ जाएगी। अगेन मैं चलता हूँ इस रो की सेटिंग्स के अंदर। अगर कंटेंट ऑप्शंस जो है वो कंटेंट विड्थ जो है वो बॉक्स्ड है, मतलब यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड से दोनों तरफ से जो स्पेस है वो छोटी हुई है। अगर मैं इसको फुल विड्थ कर दूंगा तो लेफ्ट और राइट साइड से कोई भी स्पेस बाकी नहीं रहेगी। कॉलम गैप, अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा कॉलम होंगे, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे कॉलम है, इस कॉलम को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें इसको मैंने सेलेक्ट किया, जो इस सेक्शन के अंदर कॉलम्स हैं उसके अंदर गैप्स कितना होगा ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इनकी हाइट क्या होगी ये आप, इस पूरी रो की हाइट क्या होगी ये आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर फिट टू स्क्रीन करेंगे तो यहाँ पे देखें जितना स्क्रीन है हमारे पास उतनी इसकी जो है हाइट हो चुकी है इस पूरी उसकी, राइट। तो अभी मैं ये क्यों यूज़ होगा आगे चल के बताऊँगा, इसको मैं अभी डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ। वर्टिकल अलाइनमेंट, राइट, इसके अंदर जो सेक्शंस हैं उसके अंदर उनकी जो अलाइनमेंट है, उनके अंदर कंटेंट, उनको वो कहाँ पे शो हो, तो हम यहाँ पे देखें वर्टिकली, यानी वर्टिकली कैसे शो हो, तो हम कहते हैं वर्टिकली टॉप पे शो हो, वर्टिकली मिडल के अंदर शो हो। तो नॉर्मल यहाँ पे देखें मिडल के अंदर ही शो होते हैं। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन कर दूँ, लेट्स से फिट टू स्क्रीन कर दूँ, तब इस ऑप्शन की आपको समझ आएगी। कॉलम पोजिशन, वर्टिकल अलाइनमेंट, लेट्स सपोज मैं इसको टॉप पे कर दूँ तो इनको टॉप पे शो होना चाहिए, और यहाँ पे इनको अगर मैं स्पेस बिटवीन वर्टिकल लाइन, तो ये बेसिकली ऑप्शन है। अगर मैं ओवरफ्लो है यहाँ पे इसको हिडन कर दूँ तो ये बेसिकली ज़्यादा यूज़ होंगे नहीं। इनको अभी मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे आगे वाले लेक्चर से, अंदर इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डिज़ाइन कर रहे होंगे प्रॉपर, और वहाँ पे बेसिकली इनका ओवरफ्लो का हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो अभी के लिए आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है, मैं दोबारा लेआउट पे जाता हूँ, इसको डिफ़ॉल्ट पे ही कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखें ये दोनों कॉलम्स जो हैं वो इक्वली स्पेस ले रहे हैं, लेफ्ट और राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले और ये कॉलम थोड़ा कम स्पेस ले, तो मैं किस तरह से करूँगा, यहाँ पे देखें 63/33, मतलब जो लेफ्ट वाला कॉलम है उसके पास जो स्पेस होगी वो 63% होगी और राइट वाले के पास 33%। लेट्स सपोज आप इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे बटन लगा देते हैं, तो यहाँ पे देखें इस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, तो इसी तरह से हम वापस रो की सेटिंग्स में ही जाते हैं, और यहाँ पे देखें सेक्शन को स्ट्रेच कर सकते हैं, HTML टैग आप यहाँ से इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये सेक्शन किस टैग के अंदर होगा, तो इसका इसको डिफॉल्ट पे ही रहने दें, आप इसको ना छोड़ें। अब इसके बाद हम इसके स्टाइल के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे देखें हम बैकग्राउंड, अब इस पूरी रो के
बैकग्राउंड पे हम क्या कर सकते हैं, कोई इमेज, कोई कलर वगैरह सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्लासिक, अगर मैं कलर सेट करना चाहूँ तो यहाँ पे देखें कलर सेट कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करूँगा तो क्लियर हो जाएगा कलर, और वापस यहाँ पे कोई इमेज लगाना चाहूँ तो इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी इमेज ले लूँगा। राइट, अब बैकग्राउंड पे इमेज लग चुकी है लेकिन शो नहीं हो रही, मैं कोई और इमेज शो करता हूँ, जैसे ये वाली इमेज, क्योंकि इस जो कॉलम, जो हमारी रो है उसका जो हाइट है वो इतना है, इस वजह से उसकी बैकग्राउंड इमेज सही तरह से नज़र नहीं आ रही। तो वापस चलेंगे और हम इसको, जो कॉलम है हमारा, उसको हम फिट टू स्क्रीन कर देंगे, जिससे हमारा ये नज़र आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास नज़र आ रहा है। ओके, तो सिमिलरली वापस चलते हैं डिज़ाइन पे। तो यहाँ पे और ऑप्शन है इस बैकग्राउंड कलर का, सॉरी बैकग्राउंड जो इमेज है उसकी पोजीशन क्या हो, लेफ्ट हो, तो आप इस तरह से इसकी पोजीशन जो है वो सेट कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको सेट करनी हो। अटैचमेंट है, स्क्रोल एंड फिक्स्ड है। अगर मैं स्क्रोल पे क्लिक करूँगा तो जैसे जैसे मैं स्क्रोल करूँगा ये इमेज उसी तरह से स्क्रोल करेगी, अगर मैं इसको फिक्स कर दूंगा तो ये फिर एक पैरेलैक्स इफेक्ट देगी इस तरह से, यहाँ पे देखें। सिमिलरली नेक्स्ट, आगे मुझे ये इमेज रिपीट करनी है, नो रिपीट करनी है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इसको रिपीट। अगर आपकी इमेज बहुत ज़्यादा छोटी है और आप उसको पूरे स्क्रीन पे दिखाना चाह रहे हैं तो आप उस इमेज को रिपीट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। यहाँ पे देखें, अभी क्योंकि हमारी इमेज काफ़ी बड़ी है वो ऑटोमेटिकली और स्क्रीन के ऊपर फिट आ रही है तो रिपीट आपको दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह से बैकग्राउंड ओवरले, मतलब इस बैकग्राउंड के ऊपर हम अगर कोई कलर देना चाहें तो वो दे सकते हैं। मैं बैकग्राउंड ओवरले पे आया और यहाँ पे देखें, अगर मैं इस पे कलर लेके आ रहा हूँ और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें इस तरह से एक इफेक्ट आप डाल सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे देखें, आप इस तरह का एक इफेक्ट डाल सकते हैं, इसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं बैकग्राउंड ओवरले। और यहाँ पे हमारे पास होवर ऑप्शन, अगर मैं होवर के ऑप्शन पे बैकग्राउंड का कोई ओवरले डालूं, राइट, लेट्स से ब्लैक, तो यहाँ पे देखें जैसे ही मैं माउस लेके आया तो ब्लैक। होवर का मतलब जब भी किसी भी एलिमेंट पे आप माउस लेके जाएंगे तो उसके ऊपर डिफरेंट एट्रीब्यूट अप्लाई हो जाएंगे जो आप बैकएंड से सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे और ऑप्शन, ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो बैकग्राउंड ओवरले की। और यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन है, यहाँ पे देखें कि ट्रांजिशन कितने टाइम में हो, अगर मैं इसको 3 सेकंड में करूँ तो यहाँ पे देखें बहुत ही डिले के अंदर, 3 सेकंड के अंदर वो इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं इसको बिल्कुल कम कर दूँ तो फौरन देखें इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप बॉर्डर देना चाहें तो यहाँ पर आप बॉर्डर दे सकते हैं, यहाँ पर देखें तो अभी नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर देखें अगर इन कॉर्नर्स पर तो आपको नज़र आ रहा होगा बॉर्डर। ठीक है, अगर मैं इसको 100 करता हूँ तो तब आपको मे बी विजिबल हो। यहाँ पे देखें बॉर्डर रेडियस मतलब कॉर्नर्स को हम रेडियस शेप में लेके आ सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 0 कर देता हूँ अभी के लिए। शेप डिवाइडर, उसके अंदर हम लेट्स से अगर यहाँ पे देखें टॉप के ऊपर शेप डिवाइडर्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, तो यहाँ पे देखें अगर हल्का सा यहाँ पे डिवाइडर आया है और उसकी जो हाइट है उसको मैं कम या ज़्यादा इस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से काफ़ी सारे शेप डिवाइडर्स हैं हमारे पास यहाँ पे, वेव्स हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपना इनके साथ प्ले कर सकते हैं और इसको अलावा इसको फ्लिप कर सकते हैं, इंट्रोवर्ट कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप प्ले आपको करना पड़ेगा तभी आप इनको मज़ीद अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। उसके अलावा टाइपोग्राफी है, इन सेक्शन के अंदर जो कंटेंट भी आएगा उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट यही सेटिंग्स होंगी जो आप यहाँ पे सेटअप करोगे। तो अभी हम इनको नहीं करते, लेट्स सपोज हेडिंग का कलर यही होगा। ठीक है, इसके अंदर और लेट्स से मैं मान के चले हेडिंग का कलर कर देता हूँ ग्रीन कर देते हैं। राइट, अब अगर इसके अंदर मैं कोई और हेडिंग भी डालूंगा तो उसका कलर भी ऑटोमेटिकली ग्रीन ही आएगा। सॉरी वन सेकेंड, हम इसके अंदर जाते हैं और हम बात कर रहे थे टाइपोग्राफी की। तो बेसिकली जो सेक्शन है उसका ऑटोमेटिकली लेना चाहिए, लेकिन बैकएंड के डिज़ाइन के अंदर जो के डिज़ाइन सेटिंग्स यहाँ पे होती हैं वो ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वो अप्लाई हुई हैं, इस वजह से वो हमें डिफ़ॉल्ट पे वो नहीं शो करवा रहा। राइट, तो
यहाँ पे जो आप सेटिंग्स करेंगे वो सेक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे और उनकी अलाइनमेंट भी। ओके, तो ये हमने लेआउट की बात कर ली और स्टाइल की बात कर ली। अब बात करते हैं हम एडवांस के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होता है मार्जिन का। मार्जिन का मतलब ये होता है कि हम अपना जो सेक्शन है, रो है, अगर हम उसको मार्जिन देंगे, मार्जिन का मतलब हम स्पेस देते हैं, राइट। मार्जिन जो अप्लाई होता है वो ऊपर से नीचे, लेफ्ट और राइट से अप्लाई होता है। लेट्स से अगर मैं इसको मार्जिन दूँ यहाँ पे, लेट्स से यहाँ इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं अनचेक कर देता हूँ और मैं टॉप पे मार्जिन देता हूँ सिंपल। ये देखें, तो हम मार्जिन जितना दे रहे हैं वो हमारा पूरा सेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ऊपर से अप्लाई हो रहा है। तो सिमिलरली अगर मैं इसको बॉटम से दूं तो बॉटम पे, क्योंकि हमने कोई और चीज़ ऐड की नहीं हुई, तो मज़ीद मैं इसको देखें, यहाँ पे देखें हम बॉटम पे हम मार्जिन दे रहे हैं, तो इसको हम मार्जिन कहते हैं बेसिकली स्पेसिंग को। और अगर बात आ जाती है पैडिंग की, पैडिंग का मतलब ये होता है कि अंदर की तरफ से, जैसे ये एक बॉक्स है, इसके अंदर की तरफ से वो चीज़ें अप्लाई होंगी, ये भी स्पेसिंग ही की ही टाइप है। तो इसको अगर मैं देखें पैडिंग इंक्रीज करूं, लेट्स से मैं राइट से पैडिंग इंक्रीज कर रहा हूं, तो यहां पे देखें अंदर की तरफ से जो हमारे पास टॉप, ये मैं टॉप पे सिलेक्ट कर रहा हूं, तो हमारा सेक्शन वहीं पर है लेकिन उसके अंदर जो कॉन्टेंट है उसके ऊपर पैडिंग या उसके ऊपर स्पेसिंग पड़ रही है। तो लेट्स से मैं इसको अगर राइट की तरफ से दूँ तो यहाँ पे देखें राइट की तरफ से स्पेस आना शुरू हो रही है और हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से आप मार्जिन एंड पैडिंग के साथ प्ले कर सकते हैं, मोशन इफेक्ट दे सकते हैं अपने इनको, राइट, इस तरह से। और सिमिलरली रिस्पॉन्सिवनेस का अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हम जब एक्चुअल में एक डिज़ाइन करेंगे तब हम इनकी बात करेंगे। बेसिकली हम इस तरह से कर सकते हैं कि विजिबिलिटी के कोई जो, लेट्स सपोज ये वाला आइटम है, इस पे मैं इस वाले सेक्शन को, अभी हम रो की बात कर रहे हैं, ये सेक्शन की बात कर रहे हैं, अभी इन एलिमेंट्स का डिज़ाइन के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एडवांस पे आ गए और हम बात कर रहे थे रिस्पॉन्सिवनेस की। मैं चाहता हूँ ये वाला जो सेक्शन है वो मोबाइल के ऊपर शो ना हो, लैपटॉप और टैबलेट के ऊपर शो हो। तो इस तरह से मैं इसको सेटिंग्स कर सकता हूँ जैसा भी मेरा दिल चाहे। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं, ये प्रो सेक्शन के अंदर है, तो प्रो में जब हम डील करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। और कस्टम सीएसएस भी प्रो के अंदर है, आगे भी चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये बेसिक सेटिंग समझ में आई होंगी कि किस तरह से एक रो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। आई नो मैंने मतलब इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर इनको नहीं बताया, बट आप जब तक इनके साथ प्ले नहीं करेंगे तब तक आप इनको समझ, आपकी, आपको इनकी समझ नहीं आएगी, राइट। तो सिंपल, आपने जिस तरह से मैंने एक सेक्शन लिया है और आपने, मैंने डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, आपने उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स देने और फिर देखना है कि आपके सेक्शन के ऊपर क्या चेंजेस आ रही हैं, उस हवाले से, उस तरह से आप फिर उनको देख सकते हैं। मैंने बता दिया बेसिक कि क्या होता है, मज़ीद आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना आप सीखेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।